अक्सर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने शादियों पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। पिछले कुछ सालों में रणवीर दीपिका से लेकर प्रियंका निक जोनस और विराट अनुष्का की शादी ऐसे ही कुछ उदाहरण है। लेकिन बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी कपल कलाकार हैं जिन्होंने बेहद ही साधारण तरीके से मंदिर में सात फेरे लिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। शम्मी कपूर, गीता बाली। बॉलीवुड सुपरस्टार शम्मी कपूर ने पहली शादी एक्ट्रेस गीता बाली से की थी। गीता और शम्मी साल 1955 में फिल्म रंगीन रात से शूटिंग के वक्त एक दूसरे के करीब आए। फिल्म की रिलीज के चार महीने बाद ही दोनों ने मुंबई के बाणगंगा मंदिर में सात फेरे ले लिए। वत्सल सेठ, इशिता दत्ता। वत्सल सेठ ने 28 नवंबर 2017 को एक्ट्रेस और इशिता दत्ता के साथ मुंबई के इस्कॉन मंदिर में शादी की। इशिता और वत्सल टीवी सीरियल रिश्तों का सौदागर बाजीगर में एक साथ काम कर चुके हैं। उसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। संजय दत्त, रिया पिल्लय। संजय दत्त ने अपनी श्री पत्नी रिया पिल्लय से मंदिर में शादी की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार संजय और रिया पहली बार संजय दत्त के वकील महेश जेठमलानी के ऑफिस में मिले थे, जहां पहली बार देखते ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों ने साल 1998 मुंबई में के महालक्ष्मी मंदिर में शादी की थी। हालांकि साल 2005 में संजय और रिया का तलाक भी हो गया था। श्रीदेवी और बोनी कपूर। श्रीदेवी और बोनी कपूर ने भी बड़ी सादगी से शादी की थी। श्रीदेवी से शादी के वक्त बोनी पहले से शादीशुदा थे और दो बच्चों के पिता थे, और इसी वजह से बोनी ने 2 जून 1996 को मंदिर में श्रीदेवी से शादी की थी। दिव्या खोसला कुमार और भूषण कुमार। एक्ट्रेस दिव्या खोसला ने 21 साल की उम्र में टीवी सीरीज के मालिक भूषण कुमार से शादी की थी। सूत्रों के अनुसार दिव्या और भूषण ने साल 2005 में जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। तो आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और देखते रहिए बॉलीवुड देसी।